हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी। वेलकम टू माय कोडिंग टेक्नोलॉजी चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं डाटा टाइप्स पाइथन में, ठीक है। तो अपने विजुअल स्टूडियो पर चलते हैं। तो मेरा पहले से ओपन है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं पहले एक बात बता दूं कि बहुत सारे वैसे यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड और पाईचार्म। इसके लिए दो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो आपको पाईचार्म डाउनलोड करना पड़ेगा और विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना पड़ेगा पाइथन के लिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं। मैंने पहले से ऑन कर रखा है। तो जब आप पहले खोलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, तो आपको ऐसे नज़र आएगा, वैसे बिल्कुल खाली नज़र आएगा, ऐसे नज़र आएगा आपको। ये तो अपने आप अपडेशन हो रही है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो ये ऐसे नज़र आया था। तो जब आप खोलेंगे तो एक चीज़ मैं बता दूं, आप या तो अपना डेस्कटॉप पे फोल्डर बना सकते हैं, या न्यू पे क्लिक करिएगा और उसके बाद या फोल्डर में जाइएगा। फोल्डर में जाके आप किसी भी नाम से, जैसे मैंने ABC डाला, तो किसी भी नाम से आप फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले से बना रखा है और उसी के अंदर आप फाइल्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपने डालना हो। ये मैंने डेस्कटॉप पर बनाया है। आप चाहो तो माई कंप्यूटर पे भी जा सकते हैं। माई कंप्यूटर पे जाके लोकल डिस्क पे जा सकते हैं। लोकल डिस्क पे जाके यहाँ पर न्यू फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता होगा, इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वाले फोल्डर को मैं पहले डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो ये मेरा पाइथन ट्यूटोरियल नाम की फोल्डर के नाम से पहले से एक फोल्डर बना हुआ है, जो मेरा खाली है। तो अब इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो अब सीखते हैं हमारे डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको जूम कर दूँ। जूम करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड पे कंट्रोल शिफ्ट, आपको कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाना है, ठीक है। तो देखो ये जूम हो गया, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। तो देखो आप जितना मर्जी जूम कर सकते हैं इसको। अब आई होप अब ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जूम हो गया। तो मैं फाइल पे जाती हूँ। फाइल पे जाने के बाद आप ओपन फोल्डर कर सकते हैं। ओपन फोल्डर के बाद आपने जहाँ पर भी फोल्डर वो रख रखा है, आप वहाँ जा सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे रख रखा है, तो अब उस फोल्डर को मैं देखती हूँ। तो मैंने पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से बना रखा है, पाइथन ट्यूटोरियल के नाम से बना रखा है, हाँ ये वाला। तो इसके बाद सिलेक्ट फोल्डर करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने पहले demo.py बना रखा है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा जूम हो गया। तो हाँ, तो जो दोस्तों आपने फोल्डर सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो वैसे था। फाइल पे जाके ओपन फोल्डर पे सिलेक्ट करना था, ओपन फोल्डर करोगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया। तो यहाँ ये जो दो डबल वाला पेज दिख रहा है आपको, आप इस पर क्लिक करना और ये पाइथन ट्यूटोरियल के नाम से हमारा फोल्डर खुल चुका है, ठीक है। अब इस वाले पे क्लिक करना, तो यहाँ पर फाइल बनेगी। और अगर आप इस वाले पे क्लिक करोगे, उसके साथ जो पेज वाला बटन है वो, उस पर तो फाइल बनेगी। और जो आप इस वाले पे क्लिक करोगे, तो आप का फोल्डर बनेगा। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसे जूम थोड़ा करके दिखा दूँ। हाँ, तो इस वाले पे आप क्लिक करोगे तो ये पेज जो दिख रहा है, पेज जैसा आपको, इस पर फाइल बनेगी। और अगर आप इस वाले पे क्लिक करोगे तो आपका फोल्डर बनेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसका जूम कम कर दूँ, थोड़ा सा, ठीक है। तो
अब इस पे फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे जैसे डेमो वन ही दे दें, डेमो नहीं ट्यू डेमो ही दे देते हैं, डेमो वन, ताकि पता चल जाए। ठीक है, तो अब डर टेस्ट पढ़ते हैं। तो वैसे तो और जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, जैसे हमें इंट पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, तो पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। पाइथन इतना समझ जा रहा है कि पाइथन में हम सीधा नंबर मतलब लिखते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं और वेरिएबल्स के अंदर नंबर डालते हैं या स्ट्रिंग डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो समझ जाता है कि ये वेरिएबल्स वेरिएबल्स कौन सा है, नंबर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, तो वो समझ जाता है। ठीक है, तो हमारा मतलब पाइथन, इसलिए पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अभी आगे अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अच्छी लगेगी। तो अब देखते हैं, तो पाइथन में पहले मैं बता रहा हूँ डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं और हम कौन कौन से डाटा टाइप्स पढ़ेंगे। तो हमारे डाटा टाइप्स पाइथन में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इंटीजर होते हैं, ठीक है, तो उसमें इंट, फ्लोट होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और डिक्शनरीज होती है, सेट होते हैं, टपल होते हैं, बुलियन होता है, स्ट्रिंग होता है, तो ये सब हमारे डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो अगर एक दो रह गया हो तो गूगल पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा। तो जो कॉमन है, ये हम जो सेट, अभी जो मैंने कहा सेट होते हैं, टपल्स होते हैं, डिक्शनरीज होते हैं ये, और हाँ लिस्ट भी होता है हमारा डाटा टाइप्स। तो ये जो सारे हमारे डाटा टाइप्स हैं, ये वाले सब डाटा टाइप्स जैसे सेट, टपल, लिस्ट, डिक्शनरीज, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो अभी जो मेन कॉमन है, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, और स्ट्रिंग हो गया, और बुलियन हो गया, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो कि इंट, आप लिखो यहाँ पर इंट ए इज इक्वल टू 10 और उसके बाद आप प्रिंट करो ए को, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको एरर आ जाएगी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रूल है, हमें फॉलो करना पड़ेगा, हर लैंग्वेज के रूल होते हैं, हर लैंग्वेज के रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो आई होप ये आपको दिख रहा हो, एक सेकेंड, मैं आपको ये दिख नहीं रहा हो शायद, तो मैं इसको हटा दूँ और थोड़ा मैं अब इसको जूम कर दूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा। तो हाँ, अगर आप ऐसे डिक्लेयर करना चाहते हैं तो ये ऐसे डिक्लेयर नहीं होगा, तो आप रन करोगे तो एरर आ जाएगी। तो देखो क्या बोला इसने, इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है, थोड़ा आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। तो सिंटेक्स एरर बोला है, ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, अगर आपको लिखना है कोई नंबर, जैसे 10 है, यह हमें पता है इंटीजर वैल्यू है, सही को पता होगा, तो एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर, जैसे इंटीजर नंबर सीधा सिंपल नंबर है सिर्फ, ठीक है, अब मैं और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा नंबर है, तो आप प्रिंट करो ए को, ठीक है, तो अब ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा ये इंटीजर नंबर है, ठीक है, अब जैसे हमें फ्लोट में चाहिए नंबर, तो फ्लोट में, फ्लोट का मतलब डेसिमल नंबर, जिसमें डेसिमल हो, जिसमें पॉइंट हो, ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा बी इज इक्वल टू 2.44, ऐसी कुछ भी, ठीक है। अब हमें कोई स्ट्रिंग चाहिए,
तो ये पाइथन इतना समझदार है कि इसको पता चल जाता है कि इंटीजर नंबर है, ये फ्लोट नंबर है। देखो यहाँ पर लिखा भी होगा इंटीजर नंबर है, अपने आप आ गया, और ये फ्लोट नंबर है, ये हमारा क्या है। ठीक है, तो अब सी में जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा, तो स्ट्रिंग हम दो तरीके से स्ट्रिंग लिख सकते हैं, दो तरीके से। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा हेलो, ठीक है, और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं d इज इक्वल टू। ये मैंने दूसरा इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अभी मैं अगर इसको मैं मान लो अगर मैं प्रिंट करूँ c को, ठीक है, तो हेलो लिखा हुआ आ गया, ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, और अगर मैं अब इसको ऐसे लिखूँ सिंगल कोट्स में, तो हम सिंगल कोट्स में भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं हेलो, तो हेलो। तो मैंने समझाने के लिए अलग अलग वेरिएबल लिए, क्योंकि दोनों तरफ अगर मैं सी लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, तो अगर मैं नंबर में लिखूं तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि वैल्यू तो एक ही है। छोड़ो, मैं इसको स्ट्रिंग बदल दूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्ड। तो देख रहे हैं आप, समझाने के लिए मतलब अलग मैंने वेरिएबल लिया था, क्योंकि आप देखना क्या फ़र्क होगा, क्योंकि जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो अभी, हेलो ये डिक्लेयर कर रहे हो, इस वेरिएबल में अभी ये था। वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएबल मतलब वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो सकती है, मॉडिफाई हो सकता है, हो सकता है क्या मॉडिफाई होता है, तो अभी आप खुद देख लोगे अब पता चल जाएगा। जैसे मैंने सी में हेलो लिखा, अभी क्या है हेलो, ये हेलो है, ठीक है, दोनों ही स्ट्रिंग है, ठीक है। और अब मैंने क्या लिखा वर्ड, तो अब इसकी वैल्यू चेंज होगी, जो प्रिंट करेगा वो हमें जो आउटपुट देगा वो वर्ड देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही थी, इसलिए मैंने वेरिएबल अलग अलग बना रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी डी। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही स्ट्रिंग है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग को, सिंगल कोटेशन में और डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा इंटीजर वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है। हाँ, अब आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की बारी। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने एक अलग से और वेरिएबल बनाया। तो मैंने कॉम्प्लेक्स के लिए लिखा जैसे 1 plus 2j। अब तो सी, भी हमारा, और ये एक लाइन लिख लेते हैं तो ई। ठीक है, ठीक है, तो अब ये सब हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई थिंक कोई एरर ना हो, क्योंकि नहीं कोई एरर नहीं है। तो अब इसको बड़ा कर लेते हैं, तो ये सारी हमारी वैल्यूज प्रिंट होके आ गई। 10, 2.44, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये नीचे ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये तो हमें पता था। ओहो हो हो हो, मैंने विजुअल स्टूडियो कोडिंग कैंसिल कर दिया, सॉरी। तो ये तो हमें पता था, लेकिन अब अगर हमें इसका जानना हो कि नहीं टाइप क्या है इसका, मतलब ये इंटीजर है, हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि इंटीजर नंबर है, फ्लोट नंबर है, स्ट्रिंग है, क्या है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने जाना, तो हम इसके आगे लिख देंगे टाइप। टाइप एक फंक्शन होता है जो ये बताता है ये कौन सी क्लास का। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जब जब ये विजुअल स्टूडियो कोड मतलब लिखोगे, सॉरी, जब विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करोगे, तो जब जब आप लिखोगे जैसे जैसे, तो उसमें ये सब लिखा हुआ आएगा ऑटोमेटिकली, और आप चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो टाइप ऑब्जेक्ट, ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट बताता है मतलब। ठीक है, तो अभी क्लास हम आगे पढ़ेंगे ये सब। ठीक है,
तो इतना मत जाओ। ये मतलब ये बता, ये एक मेन है इसका कि ये जैसे हमने अभी जाना नहीं कि कौन सा नंबर है, फ्लोट है, इंटीजर है, तो ये ऐसे हमें नंबर का टाइप बता दे कि कौन से टाइप का है। ठीक है, तो टाइप भी, तो अब हम इसको प्रिंट करा के दिखाते हैं। तो अब पहले नंबर प्रिंट हुए थे, अब ये ऐसे प्रिंट हुए। तो इन्होंने बता दिया कि हमारे वही है कि इंटीजर है, पहले का हमने इंटीजर दिया था नंबर, फिर फ्लोट दिया था, फिर हमने स्ट्रिंग दिया था, फिर हमने स्ट्रिंग दिया था। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, बुलियन बताना भूल गई मैं। तो बुलियन में कुछ है नहीं ज़्यादा, तो बुलियन में जैसे मैंने लिखा एफ लिखा, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा ट्रू। ठीक है, तो मैंने अब जब इसका टाइप करा, इसको भी प्रिंट करा, तो यह बता देगा कि हमारे ये बुलियन है। बुलियन में क्या होता है कि ट्रू होते हैं, या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। जैसे मान लो, अगर अच्छे से समझाने के लिए, बुलियन में ट्रू या फॉल्स, जैसे मान लो कि 10 इज़ द लेस देन इक्वल टू 10 इज़ द लेस देन 13। तो 10 क्या छोटा है 13 से? तो 10 छोटा तो नहीं है 13 से, तो ये हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी फॉल्स होगी कंडीशन। ठीक है, तो ऐसे है। तो मैंने इसको प्रिंट करा टाइप एफ, तो अब प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो अब इसने हमें प्रिंट करके दिखा दिया। तो इसने प्रिंट करके दिखा दिया बूल। ठीक है, तो आई होप आपको पता चला होगा कि हम कैसे चेक करते हैं इंटीजर नंबर, फ्लोट नंबर, डायरेक्ट टाइप्स पता चले होंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल कोडिंग टेक्नोलॉजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू गाइस।